नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स अगर सेकेंड ऑफ जुलाई 2024 ट्यूसडे का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली इस का दिन और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कराए थर्टी एट पॉइंट्स प्लस एशियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज हैं लेकिन आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज कई सारी हैं विल डिस्कस डाओ डाओजोन इज अप्रोसी फोर्टी पॉइंट्स डाउन इसके अलावा एशियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज हैं आई वॉन्ट टू रोटेशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स एट विच गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग विच इज ट्वेंटी क्योंकि कल क्लोजिंग से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हंड्रेड पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है बट अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हंड्रेड पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन होगा आई डोंट थिंक सो सो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हंड्रेड पॉइंट्स ऊपर होगा क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट uh,

कल के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्यूबुलेशन और बाइंग दिखाई पड़ रही थी जिसमें कि टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो एम जी एल वॉज ऑलमोस्ट ऑन दी अपर सर्किट लेवल 9.39 पॉइंट थ्री नाइन परसेंट टॉप परसिस्टेंट वॉज अप सिक्स परसेंट ए सी सी वॉज अप फाइव परसेंट पी वी आर एनॉक्स दो सो काल्की की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अच्छा खासा एक्यूमलेशन शो कर रहा है इसके चार्ट को हम लोग ने कल शाम को डिटेल में स्टडी किया था कहाँ पर कल के दिन धुलाई दिखाई पड़ रही थी कहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी लीड कर रहा था इंडिया सीमेंट विच हैज़ रिजन रिसेंटली लाइक रॉकेट और अल्ट्राटेक के आ, स्टेक बाय के बाद इंडिया सीमेंट हैज़ बिन रनिंग लाइक एनीथिंग और अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही स्टॉक वाज अप थ्री एंड हाफ परसेंट डाउन एनटीपीसी वाज डाउन टू एंड हाफ परसेंट वोटाज वॉज उसको क्लोज टू टू परसेंट डाउन आई में भी करीब करीब डेढ़ परसेंट की गिरावट दिखाई पड़ रही थी तो सो बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की सो so अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखें तो गोल्ड और सिल्वर कॉन्सोलोडेट ही कर रहे हैं गोल्ड अराउंड सेवेंटी टू थाउजेंड सिल्वर अराउंड एटी एट थाउजेंड लेवल्स एंड दिस कॉन्सोलोडेशन इज़ लाइकली टू एक्सटेंड लॉन्गर तो uh, मेरे हिसाब से पेशेंटली वेट करना बहुत ज़रूरी है पेशेंस इज़ वर्च्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन स्टॉक मार्केट तो अगर आपको अच्छे प्राइस पे गोल्ड को ख़रीदना है देन आई पर्सनली फील यू हैव टू वेट पेशेंटली क्योंकि गोल्ड इज़ नॉट वॉलोटाइल कि एक दिन पचास हज़ार रुपये पहुँच गया फिर अगले दिन साठ हज़ार रुपये पहुँच गया इट्स नॉट अ पेनी पेनी स्टॉक आपको बाय करने के बाद बाय करने से पहले और बाय करने के समय पेशेंस तीनों समय रिक्वायर्ड है करेंसी सेशन के बारे में बात करें कल के दिन इंडियन एन में माइल्ड सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी अगेंस्ट यूएस डॉलर अगेंस्ट एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इंडियन एन वैसे 83 से 83.5 के आसपास ट्रेड करता रहा है फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स लेकिन रिसेंटली अच्छी खासी वीकनेस आई थी जो कि कुछ हद तक रिकवर होती हुई दिखाई पड़ी है अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें निफ्टी फिफ्टी के सो कल के दिन निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था एज आई टोल्ड यू सो इंपॉर्टेंट लेवल्स आर ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड लेवल्स और वैसे ये पिवर्ट लेवल्स हैं पिवर्ट लेवल्स पे कोई ज़्यादा खास अपसाइट निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि कल के दिन हमने ऑप्शन डेटा को जब स्टडी किया था तो देखा था कि एट द मनी के आसपास ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजिशन क्रिएट नहीं हो रखे हैं जिसकी वजह से कोई मेजर अपसाइड एक बिल्कुल एक्सक्लोसिव मूव की एक्सपेक्टेशन रखना इज आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉल राइटिंग की पोजीशन ज़्यादा एग्रेसिव है नहीं कल शाम को जैसा कि हमने स्टडी किया था तो एक इमेंस एक इंटेंस शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी कम है वहीं पर नीचे के लेवल बात करें तो 24050 इज़ एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से ये ब्रीच होना नहीं चाहिए और अगर ब्रीच होता है तो फिर आपको 150 पॉइंट्स की डाउनसाइड दिखाई पड़ सकती है एज फार एज पेवर चार्ट का कंसर्न निफ्टी बैंक के बारे में बात करें कल कर के दिन तेजी थी टू पॉइंट्स की क्लोजिंग हुई फिफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इज फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड कल शाम को चार्ट पे हम लोगों ने स्टडी किया था जैसे ही ये लेवल ब्रीच आउट होगा तो ये वी कैन सी थी अपसाइड और टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट्स नीचे के लेवल पे बात करें तो फोर्टी टू फो फिफ्टी टू फोर फिफ्टी इज़ एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रीच करता है वन फिफ्टी का डाउन साइड पॉसिबल है सो यू कैन स्टडी दीज यू कैन नोट डाउन दीज लेवल्स और अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर ट्रेड सेटअप एफ आई एज ने कल के दिन सेलिंग करी थी फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स करोड़ की और डी आई एस की तरफ से बाइंग थी थ्री नाइन वन सेवन करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की तो एफ़ आई एस और डी आई एस का चल रहा है एफ़ आई एस जनरली बाय ही कर रहे हैं इस समय बट मेरे हिसाब से बजट तक दे विल पॉज क्योंकि बजट में किस सेक्टर में एलोकेशन होगा कहाँ पर अनाउंसमेंट होगा कहाँ से बजट एलोकेशन कम किया जाएगा क्योंकि दोस्तों ऐसा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिफेंस बजट का एलोकेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू सम समस्टेंट क्योंकि अग्निवीर स्कीम को लेकर के देर कैन बी सम चेंजेस तो जो कैपिटल एलोकेशन था कैपिटल प्रोक्योरमेंट था जो एसेट्स प्रोक्योर किए जा रहे थे तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है ऐसा र्यूमर्स है मार्केट में सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बजट में क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं क्योंकि दिस इज़ दी एन डी ए गवर्नमेंट एंड नॉट अर्ट्स वाइल मोदी गवर्नमेंट ओके सो स्टॉक्स इन बैन के बारे में बात करें दो स्टॉक बैन में हैं जिसमें कि इंडिया सीमेंट और टावर हैं गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो सकुमा uh, एक्सपोर्ट पे आप नज़र रख सकते हैं पहली चीज़ तो उसमें फंड रेजिंग की न्यूज़ है दिस इज़ वन नंबर टू सकुमा ने वन इज़ टू फोर वन इज टू फोर फोर इज टू वन जो भी आप कह लें एक शेयर पे चार बोनस शेयर देंगे सो दिस इज़ समथिंग व्हाट यू शुड बी अवेयर इसके अलावा सी में जो बोनस की न्यूज़ थी जिसकी वजह से सी डी ऊपर गया था वो बोर्ड मीटिंग आज है दैट इज़ सेकेंड ऑफ जुलाई को न कीप एन आई ऑन सी डी एस एल एज वेल हीरो मोटरकॉप दोस्तों कल के दिन ऑटो सेल्स के नंबर आए थे बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग नंबर किसी भी कंपनी के नहीं थे एक्सेप्ट अतुल ऑटो लेकिन हीरो मोटरकॉप के बारे में बात करें तो सेल्स पिछले साल के कंपेरिजन में फिफ्टीन परसेंट टू पर है लेकिन एक्सपोर्ट यहां पर भी फिफ्टीन पॉइंट फाइव परसेंट डाउन है सो वही हीरो मोटरकॉप पर आप नजर रख सकते हैं यू कैन कीप एन आई ऑन सी एस बी बैंक जहां पर ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट बढ़े हैं ट्वेंटी टू पॉइंट टू फोर परसेंट इसके अलावा एडवांसेस के बारे में बात करें एडवांसेस भी 18 परसेंट बड़े हैं डिपॉजिट्स मतलब जो लोग एफडी करा रहे हैं और जो डिपॉजिट्स करा रहे हैं उसमें 22.24 परसेंट की ग्रोथ दिखाई पड़ी है विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ रीज़नेबली हेल्दी डी सी एक सिस्टम पे नज़र रखें क्योंकि वन टू फाइव जीरो करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल सप्लाई करेंगे और जो कि कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं और ये ऑर्डर मिला है इनको फ्रॉम लार्सन सो अ वेरी प्रस्टिजियस ऑर्डर किन कीप एन आई ऑन डी सी एक्स सिस्टम आई ओ एल केमिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दरवाज़ा खुल गया है चाइना का जहाँ पर वो फिबनो फिनोफाइब्राइड ड्रग्स को चाइना में सप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे अब दोस्तों मुझसे ये मत पूछना कि फिनो ड्रग होता क्या है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ सो दोज पीपल हु आर यू नो इन टू फार्मेसी और मेडिकल्स यू कैन लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स कि ये फिनोफाइब्राइड ड्रग क्या होता है सेंट्रल बैंक uh, ने मेरे का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है दैट्स वॉट वी आर अवेयर इसके अलावा सोसाइटी जनरल ने रैली गेयर में 1.53 परसेंट का स्टेक बढ़ाया है एट द एवरेज प्राइस ऑफ 239 पर शेयर सो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी अवेयर इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि आई इस साल के न सेकेंड हाफ में ऑलरेडी सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है सो सेकेंड हाफ में एफ पी ओ लॉन्च लॉन्च करने का प्लान कर रही है एफ पी ओ इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बेसिकली कह सकते हैं आप एक आई पी ओ आई पी ओ फिर से लाना चाहती है और बाकी बाकी बचा हुआ जो इनका स्टेक है उसको डायल्यूट करना चाहते हैं डाइवेस्ट करना चाहते हैं सोयराडा पे भी आपकी नज़रें हो सकती हैं एलाइट ब्लेंडर्स जिसका कि आई पी ओ रिसेंटली आया था उसकी आज लिस्टिंग है कि इनकी बिनाए तैर ऑटो uh, सेल्स के नंबर कुछ कंपनीज़ के पुअर हैं जिसमें कि टाटा मोटर्स भी शामिल है डोमेस्टिक सेल्स आर डाउन एट परसेंट कॉमर्शियल वहीकल की सेल्स आर डाउन सेवन परसेंट ईयर ऑन ईयर पैसेंजर व्हीकल की सेल इज़ डाउन एट परसेंट ईयर ऑन ईयर सो दीज आर दी स्टॉक्स जिस पर कि आपकी नज़रें हो सकती हैं विंडफॉल गेन टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है ये अप डाउन होता रहता है तो विंडफॉल गेन टैक्स जब बढ़ता है तो स्टॉक्स लाइक ओ के लिए नेगेटिव है स्टॉक्स लाइक रिलायंस के लिए नेगेटिव है ओके okay? बी एस सी और एंजीनियर पर नज़र रखें फाइव पैसा पर नजर रखें जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं उन पर नज़र रखें क्योंकि सी बी के द्वारा डायरेक्शन आया है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर फ्लैट चार्जेस फ्लैट फी लगाई जाएगी ना कि जनरली क्या होता है कुछ ब्रोकर्स एडवांटेज देते हैं जो लोग हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सा ब्रोकरेज या ट्रांजेक्शन चार्जेस कम पड़ते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ हद तक रीज़नेबल भी है द पर्सन हु इज़ बाइंग इन बल्क वी ऑलवेज गिव दम डिस्काउंट्स राइट मतलब वी ऑलवेज गिव नो तो बट दैट्स हाउ इट इज जो सेबी का डायरेक्शन है दैट इज़ फुल एंड फाइनल तो उन्होंने ऐसा डायरेक्शन कुछ सोच के लिया होगा अब उन्होंने कैसे लिया है क्या लिया है वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर ओन स्टडी एंड फाइनल डिसीजन इसके अलावा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन नहीं किया जॉइन देर जहाँ पर हम आपको अपडेटेड रखते हैं एंड अपार्ट फ्राम दैट यू कैन स्टडी स्टॉक्स लाइक पतंजलि जिसमें कि पतंजलि फूड्स इज़ गोइ टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पर्सनल केयर हेल्थ केयर ओके इसके अलावा सकुमा पे नज़र रखिए हीरो मोटर कॉप टाटा मोटर्स पे नजर रखें सी एस बी बैंक पर नजर रखें एराडा पे नजर रखें सो दीज आर दी स्टॉक इस पर नजरें होनी चाहिए अपार्ट फ्राम दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एस लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन मे यूज ऑफ दैम यू विल लर्न एंड टल द टाइम यू डू नॉट लर्न दार्ट ऑफ अर्निंग बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट तो सीखिए दोस्तों सीखिए बाकी अपार्ट फ्राम दैट हेल्थ और इंश्योरेंस के बारे में अभी जानकारी लेना चाहते हैं मस्ट वॉच दीज टू वीडियोज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच बाय फिर नाउ